नशीले पदार्थों और पिस्टल सहित तीन युवक गिरफ्तार। जलंधर के थाना भार्गो कैंप की पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान लेंसर कार सवार दो युवकों को गिरफ्तार किया है, जिनसे एक देसी पिस्टल, 310 ग्राम नशीला पाउडर और 10 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। गिरफ्तार युवकों की पहचान अंकुश और मनोज दोनों ही जलंधर के रूप में हुई है। इसके अलावा थाना भार्गो कैंप की पुलिस ने गश्त के दौरान दीपक नाम के युवक को भी 39 ग्राम चरस सहित गिरफ्तार किया है। इस संबंधी बातचीत करते हुए जलंधर ADCP 2 डरवेली ने बताया कि पुलिस द्वारा गिरफ्तार युवकों से और पूछताछ की जा रही है। पार्गो कैंप में अपना नाकाबंदी दौरान और पेट्रोलिंग दौरान दो NDPS एक्ट का पर्चा दर्ज किए ने। जब चपली चौंक नेड़े नाकाबंदी किया हुआ है, उस समय लैंसर कार विच दो बंदे आए थे, उनको वैसे चेकिंग करने के लिए रोके थे। उसके अंदर दो मुंडे सिगे, एक अंकुश पुत्र रघुबीर सिंह, दूसरा मनोज उर्फ टोनी पुत्र कस्तूरी लाल। इनसे इसमें से अंकुश तो दौरान चेकिंग एक 315 बोर पिस्तल, देसी कट्टा पिस्तल मिला। और जब इनसे और चेकिंग किया, उसमें से अंकुश पासों 310 ग्राम का नशीला पदार्थ और जो मनोज उर्फ टोनी पासों 10 ग्राम हेराइन मिला। इन दोनों के खिलाफ अभी FIR नंबर 153 अंडर सेक्शन NDPS एक्ट एंड आर्म्स एक्ट रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसमें से जो बंदा अंकुश है, अंकुश के खिलाफ पहले भी 4 FIR दर्ज है कि डिवीजन नंबर 5 में, और जो टोनी है इसके खिलाफ भी NDPS का पर्चा दर्ज है लांबड़ा में। जो अंकुश के खिलाफ 4 पर्चा दर्ज है, उसमें से दो पर्चा NDPS एक्ट के हैं, बाकी दो अदर IPC एक्ट में पर्चा दर्ज है। अभी इनके खिलाफ आगे तफ्तीशी की जा रही है कि कहाँ से ये नशा लेके आते हैं, किस किस नु सप्लाई करते हैं, कहाँ पे सप्लाई करते हैं, ये हमारा तफ्तीशी चल रही है। जब पार्गो कैंप द पुलिस पार्टी नियर कबीर मंदिर जब इनका पेट्रोलिंग पे थे, पेट्रोलिंग दौरान एक बंदा दीपक उर्फ जहाज पुत्र अशोक कुमार, इसको दौरान पेट्रोलिंग इनसे चेकिंग करने तो इससे 39 ग्राम चरस बरामद हुई। इसके खिलाफ अभी NDPS एक्ट के अंदर पर्चा दर्ज करके इदा भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है।